गुरु गणपति भगवान की जय। सिद्धपीठ श्री जानकी वाले बालाजी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरम चंद्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं पीछे जानकी वाले बालाजी मंदिर में। अथक प्रयास, अथक प्रयास। गणेश वंदना के बाद राम नाम संकीर्तन, राम नाम संकीर्तन में अपनी सेवा देंगे श्री बृजलाल जी सिंगल और भव्य अग्रवाल। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। सिद्धपीठ श्री जानकी वाले बालाजी महाराज की जय। राम नाम संकीर्तन के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ। भगवान के दरबार की नित्य नियम पूजा पाठ चल रही है, सभी साथ में करके करें। श्री गुरु चरण सी रोज निज मन कर बुद्धिहीन तनु जानी के सुनिरो पवन कुमार राम चंद्र जी के साथ।
Yeah.
श्री संकट मोचन हनुमान अष्टपाठ श्री संकट मोचन हनुमत वंदना बाबा से प्रार्थना I'm gonna make it all.
रामचंद्र भगवान की जय। सिद्ध पेट श्री जानके वाले बालाजी महाराज की जय। भगवान के दरबार की नित नियम पूजा पाठ पूर्ण हुए। अब श्री बालाजी महाराज के दरबार में भजन सुनो हनुमान धर्म धर जान पवन जा प्यारा I'm not afraid of the dark.
श्री प्रेम जी अग्रवाल पांव में घुंघरू बांध के नाचे जबे राम की माला बजरंग बाला बजरंग बाला। भक्ति में भजन श्री प्रेम जी अग्रवाल जय जय पाव में घुंघरू बांध के नाचे जब राम जी माला I'm gonna make you mine.
श्री चरणों में बैठे हैं, सभी अपने अपने प्रार्थना करें कि ये भजन खुल जाए, कोई करुणा उपाना ना रहे। संकट भागे दूर, नाम से नाम उन्हीं का कर, नाम उनका रखना है, सुमरना है। तो बाबा एक आज का कीर्तन बुक होता तो शायद हमारे को भी मौका नहीं मिलता। क्यों बाबा ने, क्यों ठाकुर जी ने ये प्रोग्राम आज का बुक नहीं होने दिया बगीची में? इधर से गुप्ता जी का, हमारे बलराम जी का, कन्हैया जी का कई फोन बोले बाबू जी एक कीर्तन गौशाला प्रांगण में किया गया। ठाकुर की बात ठाकुर जाने तो ऐसी विधि बन जाएगी, हम करने के लिए तैयार है। कहीं भी करवाए, कोई भी करवाए, कोई लालच नहीं। बालाजी के जन्मदिन को कोई लालच नहीं, कैसे ही व्यवस्था करे, हमारा काम है बाबा का भजन करना। तो आज तो जहां से गुरु वहां पाऊं। आपको पता था नरसिंह जाकर 1600 रुपया ले करता, 700 रुपया करता, और भजन मंडल में साढ़े 500 रुपया। अब जगह जगह थोड़ी मोटा गणा, मोटा गणा जगह सारी गई। बाबा सबने सबने आनंद तृप्त कर दियो, पता ही ना लगे बोले जगह कौन नहीं खड़े खड़े प्यार करने लगे। बालाजी महाराज की जय, जय रामचंद्र महाराज की जय। बात आकर ठीक करा दियो। आज के प्रोग्राम की विशेष कि आज भक्तों की ये प्रार्थना है कि जो पीछे एक साल गया है गोपाल जी, पीछे जो एक साल कोरोना का गया है, तो आज भक्तों की बाबा से यही प्रार्थना है कि जो एक साल का बलंस है वो आज पूरा कर दे, आज के अंदर किसी के भी कमी नहीं रहे। अगर जो भक्त बैठा रहेगा आज ठाकुर जी से उसकी इच्छा पूरी करके भेजेंगे। और ये पहली बार के मान लो ये बाबा के दरबार में ऐसी एक साल का कोटा एक साथ ही देंगे। अब एक भजन श्री सुरेंद्र कुमार जी सिंगल ये भजन मंडल का नियम है। जब कथा के सुरेंद्र जी बाबा के दरबार में आ जाते हैं, जहाँ भी जन्म मिले वहाँ जन्म मिले, हाँ डिस्टर्बेंस से बचो और बड़ा मुश्किल से भजन मिला उसका आनंद लो। और भजन मंडल के कार्यकर्ता तो सारी बात को समझते हैं, जहाँ जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जहाँ मिले ना
हाँ जहाँ मिले भी बैठो शाबाश। आज वृंदावन बिहारी वृंदावन के राजा खुद बात करेंगे आप। आप ये कहते हो कि आज खजाना बांटे हैं तो खजाना जो नानी भाई को मारे तो बके को 56 करोड़ ऊपर तो फट गया है वो नहीं भगवान ने 56 करोड़ का भट्टा बांटने वाली बात तो आज नहीं है। इस प्रांगण का रोम रोम भक्ति में है, सेवा में है और हम बड़े सभी भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज ठाकुर के चरणों में कन्हैया के दरबार में कन्हैया लड्डू गोपाल जिनकी ये कथा है वो खुद 108 स्वरूप में जब लड्डू गोपाल की कथा सुन रहे हैं तो कथा भी फिर लड्डू गोपाल जी को पहले एक लाइन बालाजी महाराज के बाला सर थाने कौन सजाए ऐसा अद्भुत दरबार ऐसा दिव्य दरबार और नित नई सजावट ठाकुर का फूल बंगला और मनोहारी दृश्य भगत दर्शन करे नजर नहीं हटे तो बाला सा थाने कौन सजाया सजाया जी मन डोहर हरि सूरत मतवानी बाला सा थाने कोने सजाया जी बाला सा थाने कोने I'm
दीवाना भक्त किस प्रकार तरह चाव करे लाद हटावे तरह तरह को भूला वो सिंगार तरह तरह का पकवान कभी चपन भो कभी आइसक्रीम कभी ड्राई फ्रूट कभी चॉकलेट कभी समोसा कभी समोसा ये लाड है ये चाव है आज मेरे मेरे ठाकुर के सुंदर सुंदर फूल चढ़ाऊंगा सुंदर सुंदर सजावट करूंगा अद्भुत सजावट करूंगा ये क्या है बस यही चाहिए ये भक्त प्यारा लागे लगावे Oh, yeah, my dear.
जी के लड्डू गोपाल ने दिल लूटा हो, दोनों हाथ उठा करके हर हाथ से थोड़ी देर के लिए आज भाई रवि जी की ठाकुर से प्रार्थना के अभी गुरु जी प्रेम जी बोले के लड्डू गोपाल को उत्सव है लड्डू गोपाल सुना पर रवि जी अड़ गया तो बात और या ऐसी जीवे ऐसे मार्मिक पारिवारिक कथा अगर सही तरीके से बोले जावे तो दो तीन दिन लागे और बालाजी भजन मंडल प्रयास करें चार छह घंटा में बोल और आज प्रयास है एक घंटा में तो ये ठाकुर जाने किस प्रकार कितनों किया सुने हेलो एक बार चुप हो जा भैया चुप हो जा कृपा बैठ जाओ अरे ना बोल कुछ ना बोल बिल्कुल चुप हो हम चुप कर देते हैं और आप बोलो नहीं बैठो जब कथा में आए लगना चाहिए कमाई करके जा रहे हैं भजन करके जा रहे हैं आगे नहीं आए भैया बैठो पीछे बैठो मेरे पैर नहीं चलेंगे मेरे पैर नहीं चलेंगे रात नहीं चलेंगे चला तो पहले भी यही बात हुई कि जगह कम रहेगी पर फिर भी कोई बात नहीं जहां जगह मिले बड़ा आनंद आएगा आपको थोड़ी देर के लिए आप ठाकुर के दरबार से जुड़ो सुनी सवर की रे मना तो कैसी सुंदरी कण बराबर तू करे सोना करे आधी से आधी गड़ी और आधी से पुनिया संगत करिए साधु की
कटे रोड अपना। भगवान की सत्संग करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट करना है। और नानी भाई गोपाल ऐसे भक्त की कथा है। अरबापति शेख नरसिंह जी महाराज जूनागढ़ गुजरात का रहने वाला और ज्योति से ब्राह्मण, जिस प्रकार आज भक्तांगी टोली बैठी है, इसी प्रकार सफल व्यापारी नगर सेठ नरसिंह जी महाराज भगवान की सत्संग में बैठ गया, भगवान के भजन में बैठ गया। और भी बांके बिहारी का, भी लड्डू गोपाल का, भी द्वारकाधीश का ऐसा गुणगान, ऐसा ऐसा भजन चलिया, नरसिंह जी महाराज के हृदय में बैठ गया। और मन में ऐसा भाव आया कि जीका का भजन ऐसा है, जीका का भजन इतना मीठा है, वो आप कैसे हो, वो आप कैसे हो, एक बार एक झलक देखूं तो कोई बात नहीं। और नरसिंह जी महाराज के हृदय में लगी। और सेठ है नरसिंह, और सेठ गद्दी का चिपकू ज्यादा हुए, और गद्दी का इष्ट है भगवान भोलेनाथ। और भोलेनाथ सजा होया देव जान, नरसिंह जी महाराज भोले बाबा से प्रार्थना करी, और भोले बाबा अति प्रसन्न होता आया, मांग नरसिंह, मांग तने की चाहिए, नरसिंह जी महाराज हाजिर था आया। हे नाथ, आज यो दास कोई रुपया पैसा मांगने के लिए नहीं आया प्रभु, कोई परिवार के लिए कुछ नहीं मांगने के लिए आया, मैं तो भी श्री हरि का दर्शन करना चाहूं प्रभु, बांके बिहारी का दर्शन करना चाहूं। और भोले बाबा अति प्रसन्न हो गया, धन्य नरसिंह, धन्य तेरी मांग। पर नरसिंह तने बहुत जल्दी अति शीघ्र अगर ठाकुर का दर्शन करना है तो फिर तने वृंदावन जानो पड़ेगा। मेरो भी जब जब मन होवे मैं भी वृंदावन चले जाऊंगा। और नरसिंह जी महाराज कहे, हे प्रभु, मेरे बड़े खातों खुलड़ो को नहीं, मेरी बड़े कोई जान पहचान को नहीं, थारा दर्शन किया होगा प्रभु, ठाकुर का दर्शन किया होगा। और बाबा भोलेनाथ नरसिंह जी महाराज के पीछे पीछे चल दिया। और नरसिंह जी महाराज वृंदावन के गली गली में घूमता आया, नाचता आया, हे गोविंद हे सदा, गली गली में घूमता आया, वृंदावन के गली गली हे सावरा हे प्रभु हे कन्हैया, कौन सी गली में कौन से मंदिर में मिलोगा प्रभु, कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे, अब मिलोगे दीनानाथ हमारे, नरसिंह
नरसिंह जी महाराज कभी गावे कभी चुप हो जावे, गद गद गिरिया बोल ना आवे, अति अद्भुत सा नाच दिखावे, तब लीजे मदन गोपाल। पागल की स्थिति आई, कभी भी याद में जरा जर रोन लागे, हे प्रभु जान दे वते तेरे, अगर तेरा दर्शन नहीं होया वापिस घर पे नहीं जाऊंगा, जान दे दूंगा। कभी रोन लागे, कभी मनी मन ठाकुर दर्शन देवेगा, ये बात से राजी हो गए, हंसन लागे। और वृंदावन वासी के पागल है, यू कोई पागल है, यू कोई दीवानो है, और दीवान की ऐसी कई जा ठाकुर के चरणा में, बांकी बिहारी के चरणा में अपनी सुध-सुध खोई, बेहोशी चाई, और भगवान श्री हरि ऐसे दीवाने भक्त ने देखे, साक्षात प्रकट हुए। बांकी बिहारी लाल की सारे सरकार की, भगवान साक्षात प्रकट होया, और पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ ठाकुर का दर्शन कर रहे, और श्री हरि बाबा भोलेनाथ ने पूछ रहे, हे भोले कौन है यो दीवानो, कौन है यो दीवानो जो अपनी सुबुद्ध खोई है। और भगवान शंकर नरसिंह जी महाराज को परिचय देता है, हे प्रभु यो तो जूनागढ़ गुजरात को सेठ नरसिंह है, हे प्रभु थारे दर्शन की लगन लगी है, अपनी सुबुद्ध खोई है, थारे दर्शन की लगन लगी है। और अब जब ऐसे दीवाने भक्त ने भगवान श्री हरि अपने अपने हाथों से अपने हृदय से लगाता है, अब मगन होए यदुराया, चरणों से भगत उठाया, अति प्रीति से हृदय लगा, गोविंद ने ये वचन सुना, तूने मेरे कारण भाई धन माया सकल लुटाई, तेरी हर पल करूं सहाय, यूं बोले हैं नसीब, तू मेरे कारण अपनी धन माया सारी लुटा दे, भगतों के बराबर मोए प्यारा नहीं नरसिंह, ये भक्त है तो मैं हूं, मेरे नाम पे सारी माया लुटा दे, मांग मन के चे मैं बड़ो खुश हूं, मैं बड़ो राजी हूं तेरे पे, मांग मन के चे। नरसिंह जी महाराज हाथ जोड़ दिया, प्रभु ये दास की अब कोई और इच्छा बाकी नहीं है, प्रभु साक्षात थे मेरे सामने खड़े हो, तो मेरी कोई और इच्छा बाकी नहीं है प्रभु, और अगर थे ज्यादा राजी हो और कुछ देना चाहो तो थारी भक्ति मन के दे, थारा भक्ति मन के दे। और भगवान अति प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, नरसिंह धन्य तेरी भक्ति, नरसिंह भक्ति तन दे भजन तन दे, नरसिंह पर तो तू परिवार आयो है, तू गृहस्थी है, तू कोई साधु संत थोड़ी है, तने तने पता नहीं कब की चीज की जरूरत पड़ जाएगी, तो फिर नरसिंह जी महाराज हे प्रभु मन नहीं पता है, मन कुछ कुछ है, भक्ति तन दे नवदा भक्ति, और भगवान नरसिंह तेरा जो कुछ पड़ जाएगा द्वारिका धाम पत्रिका दीजो, पत्रिका दीजो तो महाराज के पत्रिका दीजो, पल में सारू का Thank you.
हसे तेरो जब भी कोई काम पड़ जाए ना छोटो सो रुको छोटी सी पत्रिका लिख के भेज दे तेरो काम होयोगा नहीं और भगवान ऐसे वरदान दियो और तभी तभी कहे के यो तिरछी नजर आलो कटीली कटीली नजर वृंदावन जानो नहीं चाहिए चलिया जाओ वृंदावन कह जी जावा क्यों नहीं तीर्थ है अब कुंभ है या है चलो चलिया जाओ और मंदिर में चले जाइयो बांके बिहारी के ना जाइयो एक ही तो मंदिर है चलो बांके बिहारी के भी चले जाइयो दर्शन कर लियो नजर से नजर ना मिलाई भाई नजर से नजर ना मिला ली भाई फिर ना रवि की जुम्मेवारी है ना बालाजी का जन्मदिन की जुम्मेवारी है मेरे को सारे कहेंगे जब ही देखोगा ना वृंदावन पर दो चाल तो रहे एक टेक नॉन स्टॉप दर्शन बने होंगे ठाकुर क्यों वे पुजारी जी का बैठे है बैठाने पाने पतो है ऐसा पागल ऐसा दीवानों अठे हजारों हजारों है जी का की नजर मिल गई फिर वो आओ को बोली फिर वो बैठे रह गए गरगा गरगा कहता ही रहेगा बोले अपने घंटा हुई फिड़ाने और चाल की पेट भरे के मन भरे के ये करता रह जाएगा तो रोका गया हेलो अभी मैं दो दिन पहले जागा है तो बोले जी जज आई हो गया बटन अच्छा लग रहा है बावला की तरह जज हो नजर मिली फिर गरगा एक टक देखता रहे पूरे यार अब चाल गई सारा गाड़ी में बैठे सारा तैयार है अब तीन दिन तो हो गया रुकिया नहीं बोले पांच पांच मिनट हो गया बोले चले आ रहे पांच मिनट रुक गया पांच मिनट रुक गया दस मिनट हो गई पंद्रह मिनट हो गई बोले अब तो चाल बोले दस मिनट हो गया दस मिनट रुक गया दस मिनट हो गई अब जिका की नजर कौन मिली थी वो कह तू चाल पागल है क्या बोले अब ये जाओ मैं फिर आऊंगा अरे ये जाओ लूट के भी गया दिल जिगर सारा नरसिंह जी महाराज ठाकुर से साक्षात्कार करके अपने घर आया और अब जब असली खजानों जी को देख लेनी जिकाने विदाम मिले नहीं वो मुफली क्यों खाओगे असली खजानों देख लियो और संसार की मोह माया में मन तो नहीं लागे दुकान से मंडी से फोन आवे सेठ जी व्यापारी आए गए सरसों ले लिया के बेलिया के बेच दिया के या बोले यार थे अभी अभी मंडली आए गए अभी मंडली आए भजन की बात चला नहीं है खैर के बात करिए या कर लिया बा कर लिया और वो फिर बोले यार वो स्विच ऑफ कर भजन में बिघन कर स्विच ऑफ कर और करता करता मुनिमा ने भी पतो ला गया कैसे अब व्यापार दुकान पर आवे को नहीं तो व्यापार करेंगे अब व्यापार करे को नहीं जिया जी करे जी माई जिया ले गया और नरसिंह जी महाराज संत बन गया फकीर बन गया भगवान का भजन करने लग गया सकीरी बांके बिहारी से तुम्हारी लड़ गई सखीरी पाके बिहारी से हमारी लड़ गई अगिया बचाई थी बहुत लेकिन बजाई थी बहुत लेकिन गोरी
कभी ठाकुर के छप्पन भोग लगेगा, मालपुआ बनेगा, अपने भी मिलेगा। भगवान का भजन में भोजन या भजन, नरसिंह जी महाराज संतांगी टोली, भगवान का भजन करने वाला प्रेमी इकट्ठा हो गया और रिश्तेदार भी बोले भाई अभी आजकल मोटा सा गहरे हुए, दुपट्टा हान सा गहरे हुए, सारा दिन गोविंद गोपाल आ तो ज्यादा तो ममता रहा है भाई का मंत्र आवे बोले भी तो आजकल संतांग सा गहरे लगे हो, तो फिर रिश्तेदार भी बोले यार ठीक है चलो यो आपकी मस्ती में आपा अपनी मस्ती में और आओ। नरसिंह जी महाराज की बेटी नानी भाई और नानी भाई की बेटी को ब्याह मन गयो, नरसिंह जी की दोती को ब्याह मन गयो, नानी भाई को ससुराल श्रीजन जी, नानी भाई का ससुर और बाद में शादी में बेटिया लाई तरफ से भात भरो जावे, भात में पीर को परिवार आ रहे और बेटी के भात में भात को सम्मान और तरह तरह को चाव करा जावे। नानी भाई के ससुराल नानी भाई का ससुर श्रीरंग जी बांगे मन में के नरसिंह जी संबंधी है सगा है और बांगे दोती को ब्याह है सगा है, तो समाचार तो करना पड़ेगा, कार्ड तो भेजना ही पड़ेगा, पर नरसिंह तो फकीर है संत है और बिगे पल्ले कोई धनमाया नहीं है, तो फिर वो आवेगा तो अपनी हल्काई होगी, क्यों आगे सगे तो बाजे ढोलक लावेगा और जब आगे मन करे वो जब गोविंद बोलो गोपाल बोलो और अपने अटे सारो हाई फाई सिस्टम है और आप ही बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा भात लिखो तुम भारी और उनके होए ना आए हमारे, युक्ति बनावा के बात में ऐसो ऐसो सम्मान मांग लिया, लड़का रहा छोरा रहा के बात होगी, आजकल क्या के समान आजकल भी जीते कुछ ज्यादा या जी भी मारे पड़ी है या भी है बस यो दे दियो,
और आजकल ये बड़ो सरल भी समझो जावे, मतलब पैकेज बता दो, बस पैकेज बता दो, हम लोग अपने आप कर लेंगे, कठे ही जानो है, बस टेची लेके चले जाओ, ऐसा ही ना ऐसा ही ना ले कई कई बोले थोड़े बढ़िया तो यार ये की रिवाज है, पैसे लोग बड़ो सरल है, बाद में ने मुंडे को गड्डी नहीं दी, ले ले गड्डी अलग है, गड्डी नहीं दी, अब तो ना दिया 50 लाख में तो चाहे गाड़ी लिया, चाहे रोटी जी माँ और चाहे सोना लिया, मेरे टारगेट 50 लाख रही है, बाद में बोलिया उनका भी मैंने गड्डी कौन दी, वरना असी वरना नहीं दी थी, ये कौन का घर है, बड़ा घर है, श्रीधर जी मन में सोचे के नरसिंह जी महाराज सगा है संबंधी है, समाचार नहीं करा तो भी अपनी हल्काई है, और आवे तो भी ज्यादा हल्काई है, अब की करा ऐसा बात लिखो तुम बाली, उनके हुए ना आए हमारी, बाद में ऐसे ऐसे सम्मान मांग लिया, और ब्यागो घर कभी जी कोई छोटो फोन खोलो बाबू कोई टेबल है नहीं यार, आनंद है ना गंदे कोई एक पंखे के कोई नानी भाई को ससुराल देरानिया जेठानिया सासू नंदा सारी बैठी है, और ब्याह को घर है तो गणेश जी मना रहे, गणेश जी महाराज ने मना रहे, चालो दीनायक आपा जोशी के चालो दीनायक आपा जोशी के चाला, चालो दीनायक आपा जोशी के चाला, चालो दीनायक आपा जोशी के चाला, गणेश जी मनायो और घर की औरतां समान लिखा रही है, बात की पत्रिका लिखा रही है, बात में ऐसा भात लिखो तुम भारी, उनके होए ना आए हमारी, क्या जी बात में ऐसे ऐसे समान लिख दो जिको ना बे ना बाहु जुड़े ना बाहु बने ना बे आवे, बैठ पुत्र के पास भात की पाती लिखवा, सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोनी न्यारी, 5-5 मन मेवा सारी बोरी भर लावे आम तो बोरी भर लावे, गणेश जी महाराज बनाओ ना ब्याह हो रहा है, गणेश जी सुपारी चाहिए जी, सवा 25 मन लिख दो, आपने कौन सी एक सुपारी से गणेश जी बने, 2 रुपये की रोड़ी से पूरे शहर के तिलक हो जाए, 125 मन रोड़ी लिख दो, और फिर कोई शानी लुगाई बैठी अरे बोलो किने रोड़ी बोली निकालना रहे हो, ब्याह को मेरे ड्राई फ्रूट चाहिएगा, बादाम कतली बनानी है क्या, सगन लिखा दो, 5-5 मन मेवा सारी
और फिर गोपाल जी भैया और बोलो के सगा है अपना कोई व्यापार है क्या तो नहीं ये बात बोरियां भर ले आए हम तो बोरी भर ले बोरियां भर ले और अरे जवानी नार कहे सुन प्यारा जिठानी चश्मो लगड़ो एक आंखो दिखे कोनी समझर से एक आंखो दिखे कर तो चश्मो लगाया करती अब जिठानी कह रही है समझर से समझर से एक आंखो दिखे से सब एक जैसे दिखे अरे जवानी नार कहे सुन प्यारा सवा पच्चीस मन का जल काला इतने बिने ना होए गुजारा तेज घटा जावे आंख का तेज घटा जावे आपने तो नजरा कमजोर हो रही है कि डॉक्टर सारा डॉक्टर देख देख चेक करवा लियो कोई कोई फायदा सवा पच्चीस मन काजल लिखवा दो असली भीम से नहीं जाइयो सवा पच्चीस मन काजल लिखवा दो और इतने में नानी भाई की नंद 80,000 मोहर सोने की मोरा 80,000 सोने की मोरा अब पता नहीं की काउंटिंग के रख 80,000 मोहर लिख भैया सवा लाख चांदियाला असली सिक्का सवा लाख लिख रोकड़ी रुपया और इतने में श्री रंग की मैया नानी भाई की दास सासु नानी भाई की दास सासु आई गे गयो लेडी हे बोलो बिनियो छोरियो क्या बिनियो रे थी भीड़ क्या कर रखी आज है और आपने कोई जुतियां चक ले जगह के है को कौन आज है तक और बहुआ बेचारी दादी जी ने जल्दी सी साइड में लेके बोले दादी जी ये सगा प्रसंगी रिश्तेदार आवे कोनी आजकल किता किता कार्ड भेज गए फोन कर गए नोरा काट गए बोले है और देखो के चपला तक ले जगह अपन के चुप करो देखे है अब दादी ने साइड में बिठायो और बोले के करण के ना रहे थे बोले के अपना सगा है ना नरसी जी के और सगा है नरसी जी पे बात में वे सामान ले आवेगा तो अपा अपना मन चाहे सामान लिखा रहा दादी जी तो थाने भी की सामान लिखाना है के थाने भी की सामान लिखाना है के अब दादी दादी रेडियो लेडी पूरी कड़क में दादी बोली जब ये सारा लिखाओ तो फिर मैं क्यों नहीं लिखाऊं मैं भी लिखाऊंगी अब दादी शाही कागज का ना घाटा पत्री में लिखो तो सोने का भाटा ढोकल के नारी मारे गपाटा मन में मुस्कावे दादी मन में मुस्कावे दादी ने भी बताओ के कि नानी भाई के पीर में कुछ है को नहीं वो नानी भाई को पिताजी जी को मोटो है संत है पिंगे पगले कुछ है को नहीं और ए छोरियां है बिनिया मजाक करे तो आपने भी सोने की तो सिला लिख दियो सिला सीधी 20-30 तोड़ा नहीं 5x3 फुट इंच नहीं 5x3 की दो सिला तो सोने का बाटा लिख दियो क्या मेरा तो अब वो सभी दादी जी थारी 90 की उम्र होगी 90 साल का हो गया और अभी सोने की दो सिला की करोगे के थे सोने की सिला को करोगे आजकल थाने फिर कितनी रिस्क कितनी है अब दादी के भी थे क्यों दोरी हो रही हो है सगा ल्यावेगा नरसिंह जी ल्यावेगा है और थे पूछो तो थाने बता दियो एक पर तो नहीं है निकासी मंडली होनी चाहिए पैर तो है करूंगे सोने की सिला पे और दूसरी सिला पे दादी को देखो थे जदि कभी नहीं के लुगाई को सोना मत बने भर ठीक ही तो ही हो जो आ तो बने बने आ भी गए हैं आ ही गए हैं वो डिजाइन भी गए हैं करता ही रहिए और दादी कवे के यहाँ लिखा मंडली होनी चाहिए पैर तो है करूंगी और दूसरी शिला पे बैठ के बस आप तो माला फेरांगा भगवान जी के अब अपनी और कोई बात नहीं और बुआ भी चलो भाई सगा ले आ दे नरसिंह जी ले आ दे और दादी जे घर में माला करने लग जाए तो अच्छी बात है और मजाक करी दादी हंसन लागी लिख आ गए और हंसन लागी मजाक भरी पत्रिका नरसिंह जी महाराज ने समाचार कर दियो भेज दी और नरसिंह जी महाराज ने समाचार होयो बोले जी यही सगा श्री रंग जी थाने याद करे दोईती को भात भरनो है दोईती को ब्याह और थाने आनो है नरसिंह जी महाराज कुकु पत्रिका मिली समाचार मिलियो
निमंत्रण पत्र मिलो और अपने ठाकुर के आगे रखता होया हे नाथ हे सावरा हे प्रभु मैं तो कुछ जानो नहीं तुम जानो रबना हे प्रभु मेरे मेरे पल में कुछ नहीं है सगा याद करे ब्याई सगा याद करे हे प्रभु आपने जानो है अरे पंथ द्वारिका पीपली और धरी नरसी अपने भक्तों के सागे किस प्रकार रवे जो मुझे भजे भजो मैं उसको नरसिंह जी महाराज पत्रिका रखी ये प्रभु मन नहीं पतो है के मांगे रे कब जाना है और नरसिंह जी महाराज पीठ फेरी पत्रिका भगवान के चरणों में रखी पीठ फेरी और भगवान साक्षात प्रकट हो गए और पत्रिका उठाई नरसिंह तू निर्भय हो गए जा यो भात मैं खुद आगे बढ़ूंगा ऐसो वरदान भगवान को और नरसिंह जी महाराज चल पड़ा समाचार के सागे समाचार के सागे चल पड़ा और जा पहुंचा और जिको निमंत्रण पत्र देना आयो वो बोलो यार मैं तो कार्ड देने गयो सगे ही आ गया सगा तो सगे ही आ गया अब की करा जागे दौड़ तो हो श्री रंग जी खने गयो बोले जी थारा मैं संबंधी थारा सगा आ गया बधाई देवो अरे बोले बोले अभी तो तीन दिन पड़े बोले जी मैंने गणपत तो जागे मिल लो थारे सगा मैं तो आ गया हम तो बधाई दे दो नरसिंह मेरे धन जान के और तेरा दिया कुठो की गड़मा कड़ अति घना जवा खावे श्री रंग जी ने पतो लागियो के जिका ने बुलानो ही कोनी हो वो तीन दिन पहले आ गया अब क्या करा ब्याह में अपनी बड़ी हलकाई हो जाएगी पर जिको बधाई मांगो और बोले अभी अभी है कट है बोले जी अभी तो मार्केट रोड पर नहीं है जी हां रिद्धि सिद्धि वहीं पर नहीं है जी अभी तो क्या है और बोलो बेटा बेटा अपना बड़े के नोरो पड़े के गोदाम पड़े बड़े ही रोको बाने के शहर में आ गया तो बड़ी हलकाई हो जाएगी अपनी नरसिंह निर्धन जान के और तेरा दिया कुठो कीकड़ माकड़ अति घना जवा खावे नरसिंह जी महाराज ने फकीर जान गए संत जान गए भिखारी जान गए शहर से बात देरो दे दियो कोई प्रकार को मान सम्मान कोई प्रकार को स्वागत नहीं है नानी भाई ने पतो लागियो पिताजी आ गया बेटी ने पतो लागियो कि पिताजी आ गया दौड़ती हुई नानी भाई नरसिंह जी महाराज से मिली नरसिंह जी महाराज बड़ा राजी है अपनी बेटी से मिल गए नरसिंह जी महाराज बड़ा खुश है बार बार सिर पर हाथ दे रहे और बेटा किए सब कुशल मंगल पूछ रहे हैं और नानी भाई भी बड़ी राजी है अपने पिता से मिल गए और एकाएक नानी भाई की नजर पड़ी भात में कोई सामान को नहीं नजर आना रहे कोई संदूकों कोई टीचिया कोई माल कुछ भी नजर नहीं आ रहे ये संत ये मोटा पिताजी कल सुबह भात भरना है और भात में कोई सामान को नहीं नजर आना रहे ताऊ जी चाचा जी कोई पीर से कोई पीर के परिवार से कोई है ही कौन है और ये कौन है ये नानी भाई इतनी बात नरसिंह जी महाराज से पूछी और नरसिंह जी महाराज बेटा माने तो देखो समाचार मिलता है मैं तो जल्दी आ गया ना बेटा भात को सामान तो वो सावन शाह लेके आने के भात को सामान तो पूरा सावन शाह परिवार सहित आना रहे बेटा नरसिंह जी महाराज इतनी बात कही अब नानी भाई ने नहीं पता है कौन श्यामल शाह है कौन भात को सामान लेगा वो नरसिंह जी महाराज इतनी बात कही और नानी भाई जरा पिताजी बेटी के घर खाली हाथ आ गया थे भात को कोई सामान तक नहीं है कौन श्यामल शाह है कौन भात को सामान लेगा वो मारी सासु नित करे
और मायरे के कान थे आया हाथ हिलावता मन उल्टी आवे। मेरे घर तो पहले से मने बड़ा ताना सुनने मिल रहे तेरू पिताजी मांग मांग भावे तू मोटा की जाइए थे मारी शान खराब कर दी तरह तरह का ताना मन सुनने मिले क्यों आया हो क्यों आया हो पिताजी। नानी भाई जरा जरा और नरसिंह जी महाराज नरसिंह जी महाराज ने तो पता है कौन से आउट से आए नरसिंह जी महाराज बेटी का आंसू पूछता होया बेटा रो ना तुम जिके के भरोसे पर आए हो बेटा बाबा झुकी नहीं क्यों रो रही है। उन्होंने बाई ने नरसिंह समझाए बार बार उनानी बाई में नरसी समझाए बार I'm
नरसिंह जी महाराज बेटा जी फिर वो परिवार हो ना उसी परिवार में चावल से राधा चावल सही जाओगे बेटा पूरे परिवार सही जाओगे। नरसिंह जी महाराज ने बड़ो भरोसा है अपने अपने और नानी भाई पिताजी सुबह कब आओ कब आओ और अपना पिताजी साजी और श्यामल साजी और नानी भाई इतनी बात कही और नरसिंह जी महाराज बेटा यू आवे ना तो इन्हें देश को नहीं लगे एक पलक में युग में पलट दे एक पलक में युग में पलट दे सौ नहीं के सारी ने यज्ञ बात बिचारी बेटा यज्ञ बात बिचारी एक पलक में ये संसार का ये काम इन्हें नहीं एक निमिष भी ज्यादा है एक पलक में एक क्षण भी ज्यादा रहने नहीं है एक पलक में युग पलटते हैं ऐसे नहीं हो सकता थोड़ी देर देखो मारो भी निवेदन है जितनो जुड़ा नहीं उतना ही आनंद है कोई मारो कोई इस प्रकार को अभ्यास नहीं है ठाकुर की कृपा आप सुनना ला आप सुनाना ला और बड़ो अद्भुत बड़ो दिव्य माहौल है इंगो इंगो पूरो पूरो नाम उठाओ रोल कौन में ना जाने दो समय भक्त और भगवान की भक्त और भगवान की चर्चा चल रही है सीधी सीधी लाइव बात हो रही है नजर अपनी अपनी है पहचान अपनी अपनी बरसात बरसात बेशुमार हो रही है सब जगह बरस रही है कोई कोई कटोरी पड़ी है तो कटोरी में पानी कटोरी जितनो है कोई थाली पड़ी है तो थाली जितनो पानी है कोई कोई टंकी पड़ी है तो टंकी भर गई और बरसात हो रही है पर कोई बर्तन ही मुंडो पड़े हुए कोई बर्तन उल्टो पड़े हुए और फिर बरसात को कसर थोड़ी या नहीं कि ठाकुर के दरबार में आगे भी खाली चले जाओ एक एक क्षण अपने ठाकुर से प्रीति करता है। नरसिंह जी महाराज बेटा आज फिर से इतनी
जल्दी मिल गया, चलो मिल भी कोई नहीं पाता, क्यों अपना कोई घर की गाड़ियां थोड़ी है, मैं तो टूटी फूटी गाड़ी गाड़ी तो गाड़ी वाला ना मिले ना, मेरे पे तो कुछ भी नहीं, तो फिर टूटी फूटी गाड़ी ले गए और रिश्तेदार भाई बंधु भी बोला भाई आजकल तेरे को साधु आने ले जा, मैं को नहीं जाऊँ नरसिंह मारा बेटा टूटी फूटी गाड़ी और ये आंधा सन इतनी जल्दी तेरे से मिल नहीं पाता। नरसिंह जी महाराज रस्ते की बात, भरोसे की बात, रस्ते की बात अपनी बेटी नानी भाई ने बता रहे, बेटा गाड़ी खराब गाड़ी चलने को नहीं, चल 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 करेंगे और आंधा सर नरसिंह जी या क्या गाड़ी ले गए हो, भीखू नहीं जाओ भीखू नहीं जाओ। नरसिंह जी महाराज हैरान परेशान, हे प्रभु गाड़ी चले को नहीं, ये संत माने को नहीं, हे प्रभु बेटी के बात में क्या पहुंचूंगा, प्रभु क्या बात हो रहा है, इतना पुकार करने की देर, इतना याद करने की देर और भगवान भगवान मिस्त्री बन गए, ऐसा साथ होगा याद करने से, याद करने मंदिर से भगवान पूरे पूरे ब्रह्मांड का मालिक आज अपने भक्त के खाते मिस्त्री बन गए, गाड़ी ठीक करना ना और भेस बदले हुए है, ग्रीस लगड़ी है भगवान ने, पुराना कपड़ा पहन रखे बाबा जी भगत जी मैंने भी थारी गाड़ी में बिठा लिया, मैं मेरा पैदल चलता का पैर दुखने लग गया, मैं भी थारे सागे चलूं और बेअंदा से बोले ले गाड़ी खराब है सवारियां आगे ही ज्यादा है और एक सवारी और आगे, बोले ना ना बोले गाड़ी खराब है भारी गाड़ी खराब है। नरसिंह जी महाराज देख रहे बाबा जी भगत जी मैं थारी गाड़ी ठीक कर दूंगा, मैं मिस्त्री हूँ मैं थारी गाड़ी ठीक कर दूंगा, गाड़ी दूर से तोड़ आयो थारी कालो लेके ला भगत थारी कालो लेके ला, गाड़ी में भगवान भगवान प्रार्थना कर रहे भगवान हाथ जोड़ दे बाबा जी भगत जी गाड़ी में बिठा ले जरूर नगर हरी दूर से Oh,
सारी पटरी पे नहीं है, बाकी गाड़ी पे चलाना मेरा काम है, चिंता की बात नहीं। आज अपने घर की गाड़ी का रखवाला आनंद बड़ो जी में पर बड़ो भगवान अपने भक्त की गाड़ी का सारथी बनया, जिकी गाड़ी ने पूरे ब्रह्मांड का मालिक पूरे संसार चलाना रहा। आज अपने भक्त की गाड़ी चलाने के लिए सवार होया, तो कल्पना करो, कल्पना करो, कोई कोई अच्छो मुनी माजे नहीं, अच्छा वर्कर आ गए तो दुकान फैक्ट्री की दिशा बदल दे, वो पैदा करना लो, वो पैदा करना लो। देखो आज भगवान अपने भक्त की गाड़ी का साथी बनया, तो फिर भक्त और भगवान की जय हो। गाड़ी बदली की गाड़ी इतनी तेजी से चलती है, भगवान जी की गाड़ी का सारथी। नरसिंह जी महाराज फिर बेटी ने कह रहे, बेटा जितवट तक छोड़ के गए हुए भला, वो अब तो को नहीं, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। और नानी भाई, नानी भाई फिर भी जब धीरज नहीं धर रही है तो नरसिंह जी महाराज आसी तो आ जावसी, और नहीं तो चूकी पर बाई जाओ भवन को मदी गंगा होगा। आप लोग भी बांध लो थोड़ी में, यह तो प्रेम की बात है बेटा, अब तो ठीक है, नहीं अब तो नहीं भी हम, तू रात भूत होगी बेटा, तेरे तेरे ससुराल में तेरे दांत में लगी, तेरे लड़ेगा बेटा, तू रात भूत होगी, तेरे घर चली जा, तू घर चली जा। नानी भाई जरा जरा नरसिंह जी महाराज, मैं नानी भाई मैं घर को ले जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं घर को ले जाऊं, मैंने मैंने बड़ा प्रार्थना सुनी, समझा के
नरसिंह जी महाराज बेटी ने नानी बाई ने अपने घर भेजे और भगवान श्री हरि से प्रार्थना, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, थारे भरोसे में आए हूं और हे प्रभु, जब थाने आनो है, थाने आनो है तो इतनी देर क्यों प्रभु, इतनी देर क्यों? हे नाथ, बेटी को ऐसो रोनो, बेटी को ऐसो रुदन मैं सह नहीं कर पाऊं प्रभु, क्यों देर कर रहे आप? ओम मोहन आजा, उठा कर आजा, आजा तने नरसी पुकारे, रोलो में गदगद पुकार, उठ मोहन आजा, आजा तने नरसी पुकारे, जायो भाई,
तुम्हारे तो भगता पे नहीं भगवान चला जानो ने अपने अपने भक्त की ऐसी पुकार पे नरसी तू रोना नरसी मारे तो भगता पे रानी भीड़ पड़ी अभी
मेरे भक्ति का इंतजार कर रहे हो पूरे पूर्ण हुए दिनो एक आंसू दिनो एक आंसू मैं देख के नहीं पाऊंगा। और राधा रुक्मिणी भगवान ने इतना इतना अधीर अपने भक्त के लिए इतना आतुर देखा, धन्य है धन्य ऐसा दीवाना जिका के लिए भगवान आप श्री हरि आप इतना अधीर हो रहे। हे प्रभु अरे ऐसे भक्तों का दर्शन में भी करना चाहूँ प्रभु, फिर भक्तों का बड़ा बड़ा काम संवारे कभी थारे सागे जाने की जिद को नहीं करी। हे प्रभु मैं भी थारे सागे जाना। अरे राधा तो रुक्मिणी जाने राधा तो रुक्मिणी जाने जोड़े है तनो हाथ के शादी को काम है मैं नहीं जाऊंगा नहीं अकेला जाऊंगा नहीं अच्छा कुंडा कुंडा और पीए को परिवार जावे मैं जाऊंगा नहीं हरी सोभा बटेगी भगवान ने बता रहे। राधा रुक्मिणी भगवान ने प्रार्थना कर ली है भगवान पंजाबी के भी भात भरने के लिए जाऊंगा। राधा रुक्मिणी हाथ जोड़ के हे प्रभु मैं भी सागर चला। भगवान बोले नहीं नहीं थे थरो काम है देर कराना और मेरे भक्त का रोग रोग देखो क्या हाल हो रहे हैं। और राधा रुक्मिणी बोले प्रभु हे मारो श्रृंगार को समान सागर ले जाएंगे मैं प्रभु मैं थाने देर को नहीं कराऊंगा और मैं थारे चल लगा थाने थे और अच्छा लगूंगा बटे भाई के बटे नहीं बटे मारो भी जाना जरूरी है। सैकड़े भरांगा मायरे सुन लो जी रंग छोड़ और भक्तांगे मायरे को हे प्रभु ब्याह शादी में उनकिया तो थे भक्तांगा किता किता काम थे करो मैं थारे सागे जाने की जिद कोनी करा अब यो तो बात को काम है माने भी सागे ले चलो। और भगवान कहे के अगर देर नहीं कराओ तो चलो फिर चलो बैठो परिवार सहित पधारवा और प्यार होया आयरो भर खाते कर कर मन में भगवान ने चाल चढ़ लिए अपने भक्त की बेटी को बात करने के लिए। और रिधि सिद्धि कुबेर ने आदेश दियो के आज मेरे भक्त की बेटी को बात है जितने खजाने में धन माल है सारे रथों को श्रृंगार करके कुबेर जिके की पूजा करा रिधि सिद्धि जिका ने मनाता रहा वे अरे रिधि सिद्धि मारे साथ है और आनंद मंगला आचा नरसी भर श्यामाय सारे रिधि सिद्धि आदेश को इंतजार कर रही है कुबेर हाथ जोड़ के खड़ी है। हे प्रभु कैसे भात भरने में भगवान आदेश दे रहे हैं और आदेश
ग्यारह वस्त्र को और सीधो देव की नंदन बुलाओ क्यों ग्यारह बज रही है और बात तो करो अभी तो प्रसंग चल रहा है अभी तो हे प्रभु मैं यहाँ पहले कहीं लड्डू गोपाल आप बोलना रहा आप सुनना रहा और सही महीने में तो एक साल बाद मारो भी अभ्यास का बोल एक साल बड़ी छूट मिली है छूट क्या ही मिली है ऐसो दो दिन पहले ही जब जब यो तय हो गया प्रोग्राम तभी बकेने भूत का पैर पालने पे चढ़ी गई भाभी को विधि नहीं आओगी के ठाकुर ऐसो जीवे भात भरेगा क्यों 108 स्वरूप में है आज जितना भक्त बैठे गोपी भाव से गोपी भाव से वृंदावन के रास में हर गोपी ने लागे ना कि मेरे साथ नाचिए कन्हैयो कन्हैयो तो मेरे साथ हो आज वो समूह है आज 108 लड्डू गोपाल हर भक्त के साथ झूम रहे हर भक्त के साथ झूम रहे ये आनंद ये दिव्य अनुभूति या मस्ती क्या बात है प्रभु आज तो यह लगे जाने कथा वैकुंठ में हो रही है कथा धरती पे नहीं हो रही है कथा तो वैकुंठ धाम में हो रही है भगवान कुबेर ने आदेश दियो हृदय सिद्धि ने आदेश दियो और राधा रुक्मिणी हाजिर के सागे जाने की तैयारी कर रही है परिवार सहित पधारवा और प्यार होया जो मायरू भरने का दिल कर कर मन में भगवान ने चाल चक रहे और इन्हें नानी भाई पूरी रात सो नहीं पाई सुबह भात भरने में और तेरे देर से कोई आयो को नहीं पिताजी आया बेटियां मोड़ा ने ले गए खाली आता गया और ससुराल का बहुत परिवार आए रहे दीरानियां जेठानियां तरह तरह का ताना सुनने में मिलेगा ऐसे ऐसे जीने से अच्छों में मर जाऊं ऐसे जीने से अच्छों मर जाऊं नानी भाई पूरी रात सो नहीं पाई है बड़ी दुखी है और पुराने टाइम में औरतें कुएं पर से पानी लेया करते थे नानी भाई खाली घड़ों खाली मटकों चक्यो पानी के भाने से कुएं पे जाऊंगी सरसर पे जाऊंगी और कुएं में पड़ के सरसर में पड़ के अपनी जान दे दूंगी मैं जिंदा को नहीं रहना चाहूं घड़ियों भरवे के
नानी भाई मन में बड़ी दुखी है। मैं जिंदा कौन रहना चाहूं, मैं मर जाऊं। सरवरिया कहती करिया नानी नीर बहावे, माँ के जाया वीर बिना बात भरन ले आवे। सरवरिया लाद प्यार से पली लाडली बड़े गराज ब्याई है। दान दाए जो हाथी घोड़ा दास दासियां ल्याई है। सोना चांदी हीरा मोती गाला भर भर ल्याई है। बीती बातां याद करूं जब हिवड़ों भर भर आए। सरवरिया बचपन में पिता के घर इतना लाड इतना प्यार, अरबपति सेठ की बेटी इतने सोने को पांग जो चीज मांगी मांगने से पहले मिलती। एक पीर में इतना लाड इतना प्यार एक छींक आ जाती तो पूरा शहर का डॉक्टर आ जाता। इतना लाड मेरे पिता के घर में और मेरी शादी करी हीरा मोतियों की गाड़ियां भर भर के और तोड़ नौकर तक रास्ता सुन तक मेरे पिताजी मुझे देश में दे। और आज जब मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, मेरे पिताजी आज देने के समर्थ नहीं है, तो मेरे पिताजी ने सही से बात रोक दी। कोई कोई मिलने के लिए नहीं गए मेरे पिताजी से। मैं अपने पिता को ऐसे अपमान से नहीं कर पाऊंगा। नानी भाई जरा जरा और ससुराल में बेटियां बेटी ने कुछ भी किया जाए वह संस्कार ऐसा मिले बेटी कुछ भी को नहीं बोले रो गए रह जाए कुछ भी को नहीं बोले। पर कोई पीर में कोई माँ के बारे में भाई के बारे में कोई पिता के बारे में कोई हल्की बात कोई छोटी बात कहे तो बेटी सेंस को नहीं कर पाता। बेटियां हो ही ऐसी जब तक पिता के घर रहे 20 साल 22 साल 25 साल जब तक पिता के घर में पिता को घर चेक चेक रहे खुशियां बिखेरती रहे। और जब रिश्तों करे शादी करे ये बेटियां कैसी है अपने अपने परिवार से अपने पिता से या तो कोनी पूछे कि जिनका घर मेरे रिश्तों करे हैं वे कौन लोग हैं कितनी की जानकारी है थारी कितने के बार मिले हो उससे या बात भी जो जो परिवार जो माँ बाप करते हैं ऐसी बेटियां अब ससुराल जावे पिता के घर से विदा होवे कोई अंगा दाना अनाज का दाना बिखेरती रहे बिखेरती हो जावे मतलब यो जो आंगन चिकन में इतनी बड़ी इतनी पली कोसे वो आंगन
मेरे पिता को आंगन, मेरे भाई को आंगन, वो हरे भरे रहे, वो चेक तो रहे, वो महक तो रहे, वो कभी कभी सुनो नहीं हो मेरी मेरी क्या इच्छा है। और ससुराल चली जाओ, ससुराल चली जाओ तो अनजानो घर, अनजानो माहौल। और बेटी हर कोई ने देवर चेत नन जेठानी देलानी हर कोई ने खुश करने को राजी करने को प्रयास करे। सादा चिड़िया दा चंबावे बागोले सावे जान, सादा चिड़िया दा चंबावे बागोले सावे जान, साड़ी लंबी चंबा बबले सड़ी लंबी उड़ारी लंबी उड़ारी और ऐसी बेटी जो जब तक पिता के घर रहे तब तक खुशियां, जब तक चहचही जावे महकी जावे और ससुराल चली जावे तभी तभी अपना आप को 100% देने को प्रयास करें कि किसी प्रकार मेरे पिता ने मेरे परिवार ने कोई गुरु ना करे। ऐसी बेटियां और जब इस प्रकार की तकलीफ मिले तो नानी भाई के मैं मर जाऊं, मैं जिंदा को नहीं रहना चाहूंगा। नानी भाई कुएं में पढ़ने को प्रयास करिए और कुएं के पास सरवर के पास एक पेड़ है, पेड़ पर एक तोतो बैठे हैं, सुओ बैठे हैं और सुओ यो सारो करताल देख रहे हैं। नानी भाई बड़ी दुखी है, बड़ी आहत है और सो भाई तू मरी ना, भाई तू गिरी ना। नानी भाई हैरान, कौन है भैया, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं जिंदा को नहीं रहना चाहूँ, कौन है जो मैंने बचाने को प्रयास कर दे। तो सो फिर तेरे भाई तू मरी ना, भाई तू मरी ना। और नानी भाई देखो तो सो पुकार कर रहे और इंतजार की कैसी घड़ी है। नानी भाई इंतजार की कैसी घड़ी, सुए ने तोते ने अपनो भाई कह रही है, भैया सुए ने अपनो भाई कह रही है, भैया तू पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी है, ऊंचे उड़िए देखना तने नगर अंजार के रास्ते में कोई आतो नजर आवे के, पिताजी कवा भी वो श्यावल जा, पता नहीं मैं पहले ही मर जाऊं अपनी जान दे दूं और वो आ भी जावे, तो भैया तू एक बार ऊंचे उड़ के देखना। और सो इतनी पुकार सुनी और पेड़ पर ऊंची उड़ान भरी और नगर अंजार के रास्ते में खेत देख रहे हैं और भाई ने वापिस आगे बता रहे हैं I'm gonna make you mine.
तो बाबी साहब को बता रहे भाई नगर अंजार के रास्ते में रथों की लंबी कतार और इन लागे जाने कोई नगर को राजा नगर अंजार की ओर आ रही है ऐसे रथा को श्रृंगार है भाई ऐसी दिव्य अनुभूति है और तेज गति से रथ चला आ रहे हैं भगवान बड़ी तेज गति से रथ चला रहे हैं अपने भक्त की बेटी को भाग करने के लिए और दादा रुपन हाथ जोड़ लिए हे प्रभु ये की करो थोड़ा धीरे चलाओ नहीं मारो सारो श्रृंगार खड़ा हो रहे हैं और मेजी का ये बात का गीत गाना चाहवा ये गीत भी मालूम को नहीं गाया जा रही और भगवान बोले नहीं मेरे भक्त इंतजार कर रहे हैं भगवान तेज गति से रथ चला रहे हैं सर्वर पे कुएं पे खड़ गए भगवान को रथ आ गया क्यों और दौड़ दौड़ हुई नानी भाई भगवान के पास गई कचेरा हो जरदार तुम जाओ राधा रुपन ने कहे ये आगे जो देखे हैं कौन है कोई राजा लागे कौन है ये राधा रुपन कुछ बोलती कठे का है सरदार जिनके तो जाओ मेरा पावना भगवान ने पूछ लिए नानी भाई इंतजार बड़ी बेसब्री है पता नहीं पिताजी का बाजी को कौन है वो समस्या कौन है भैया कठे का राजा वो थे कोई राजा लागो थे भगवान कुछ बोल पाता इतने में राजा रुकन फिर चली गई तो भावे से मनने लगी बात ये थारा गीत बड़ा सुहाना लाग रहे मने कौन तो होते और राजा रुकन नानी भाई ने यही कह रही है प्रभु है मथुरा का सरदार तारा वती तारावती प्रभु है मथुरा का सरदार तारावती तारावती प्रभु है मथुरा का सरदार तारावती तारावती लाली रूप मणि सिर मोर चामल शाह है नाम जी लाली रूप मणि सिर मोर चामल शाह है नाम जी लाली रूप Let me get my feet in the water, I'm gonna be tired of
नाम लियो समस्या आ गयो पिताजी करवा जी को कोई समस्या है आ गया नहीं नानी भाई हर सी भाई हर सहिए हर सी भाई हर सहिए और सुनरी जैसी देखी जल भरती थी छान के आने चरणों नानी भाई की खुशी को ठिकानो नहीं है थोड़ी देर में माल लेकर आ रहे हैं आज जगत से द्वारकाधीश वृंदावन का राजा चाचा तेतीस करोड़ देवी का सभी साक्षी है ऐसो खजानों लुटावेगा और जो पहले बताई बस साथ में बर्तन मुंह को ना मार लियो जो करना रही हो आज आज ठाकुर क्या बात है ये प्रभु सब तो बता दूंगी और भगवान जब अपनों परिचय दिए तो नानी भाई खुशी को ठिकानो नहीं पिताजी के वास्ते तो चावल लगी नहीं आज तोड़ दी हुई नानी भाई अपने ससुराल गई और आपके दिदानिया दिखारिया ने परिवार ने तो फिर तो नहीं तेरे पीर में कोई है को नहीं सारा मोदा ही मोदा है चलो थाने चलो थाने फ्री भी सारा सिखाऊं तो देखो है देख के तबीयत खुश हो जाए ऐसा फैंसी ड्रेस सारा सिखाऊं थाने का थे को मैं मोदा ही मोदा दुपट्टा ला बैठे और नानी भाई दौड़ती हुई अपने ससुराल गई के अरे देखो ना सासू जी मारे पीर को परी हरे बीरा जी गीता के रोगन बीरा जी गीता के रोगन नानी भाई ये कह रही है एक एक शब्द सुनियो के थे डायमंड की छोटी सी अंगूठी पहन गई है मेरे भाई के नहीं रथ के घोड़ा का पैर के बकरे जी का थे तो नहीं है 24 कैरेट के है ये इतनी रत्ती का है मेरे भाई के घोड़ा का पैर के बकरे अरे हाथ जाते रथ के जरा पति लगे लोग बड़े हीरा मोतिया का सिंगार हो रहे और हमारी भोजाइया के शेष ऊपर चुनरी झलके 20-20 करोड़ की है और बेटी
डेली यूज में है, कोई क्या रहो बनी आईडी हां किने दे है। ये देखो ये चेरी नहीं है, ये ओरिजिनल है, यहाँ नहीं मिलती, बंगाल से मंगाई है। जय हो, ये बाकी हो रही है 5-4 लाख को सामान लेंगे हैं। और खाने दुकानदार दिखा रहे तो नहीं, मेरी भाभी जी की ज्वेलरी मैं रखी है नहीं, खाने दुकानदार अटेंड ही कौन करे, बोले तो अरे मतलब का नहीं है बना भी। और जब ऐसी नानी भाई ऐसी बात करी, हमारी भोजाइयां के शीर्ष ऊपर चून रिया झल पे, और हमारा भीरा जी की पाग ऊपर, और हत्या के हीरा का घोड़ा बेलिया के झोल, जिका जिका श्रृंगार थे गले में या हाथों में पैर पे गई, और इनपे घोड़ा में पैर के बंदरे जागृति खुद तो सरी। और इतनो इतनी बात की, और मैं दिमागियां चिटानियां, और परिवार की ब्याह शादी को माहौल पूरा परिवार बोले ले शादी को माहौल, इतनो काम और अब और पागल हो गई है, देखो क्या बेकी बेकी बात ना करे। मैं कोई शहर जमा इतना सावा को टाइम है, शादियों को टाइम है, कोई कोई बड़े घर की शादी होनी है, और कोई गांव में तो जावे हमारी बहू की ने बीरो बताओ, कोई गांव में अब शादियां इतनी है तो कोई आएगा ही होगा, और बने जिका ने देख रहे बेचारी पागल हो गई है, इसो तो नहीं परमात्मा की सब ना करे करे, बहुत बुरी हुई है बेचारी सा देख के पागल होगी बैग ठीक है। अब एक जनी सासु बनाई जेठानी बाकी ज्यादा हां और आई पाई भी ज्यादा माजी थी को तो दो दिन वास्ते कमरे बंद कर दिया गया, अब क्या बिगाड़ेगी अब वो सारी एक झूठ हो रही है, बोले कमरे में बंद कर दिया तीन दिन बाद काट लिया। अरे जब ऐसी बात करी तो भगवान श्री हरि अंतर्यामी, थोड़ा समय और लूं अभी भगवान अपने भक्ति भगवान अंतर्यामी अपने भक्त की बेटी ने जब ससुराल आला पागल गयो भगवान से रेव बनी गयो के देख ये अपने आप में बड़ा धनवान मन रहे, और मेरे भक्त की बेटी ने पागल कह रहे मैं दिखाऊंगा, मैं ना दिखाऊंगा कि तारे घरे कौन है। और भगवान भेष बदलो, बोलो नरसिंह ने बात में जाऊंगा, नरसिंह मेरे भक्त है, नरसिंह ने थोड़ी देर फेर के जाऊंगा, पहले पहले मैं नानी भाई के ससुराल जाऊंगा, ये मेरे भक्त की बेटी सा गया सो व्यवहार भगवान के मेरे सेंस को नहीं, भगवान कहे के मेरी मेरी कोई भी कसम मेरी कोई भी प्रतिज्ञा, ध्यान से सुनो भगवान कभी के मेरी कोई भी कसम मेरी कोई भी प्रतिज्ञा मैं तोड़ दूं, कोई मायने को रखा मेरे लिए, पर मेरे भक्त की कोई बात कह दी अगर मेरे भक्त की कोई बात है तो वह मैं टूटन कौन दूं, क्यों वो मेरे भरोसे पर कर। एक बार बैठो भैया, ये मौको मिले हो एक बार बैठो, देखो नहीं तो देखो मैं भी बहुत थकड़ हूँ। हाँ इतनी आनंद ले हुए आज तो लूट मच रही है। भगवान भगवान बोले कि मेरे भक्त की बेटी ने पागल कह रहे मैं दिखाऊंगा ना, और भगवान भेष बदलो भेष बदलो कपड़ा बेचने वाला पुराने टाइम में जहाँ गांव में आज भी मिल जाएगा फेरी पर कपड़ा बेचने वाला, भगवान बजाज बनिया कपड़ा बेचने वाला बनिया, और वही पुराना सो भेष और एक गठरी सर पर ली और एक गठरी कंधे पे ओ हाथ में मीटर और कैंची टांग रखी है, लीड़ा ले लो भी गाबे ले लो भी लीड़ा ले लो गाबा ले लो भाई ले लो जी ले लो थारे घरे ब्याह है बढ़िया डिजाइन है नया डिजाइन है ले लो जी। अब भगवान आवाज मारता फिर भगवान आवाज मारे अरे हेलो मारो से टारगेट जी को है जनो जी थे बढ़ी जाए ना भगवान नानी भाई के ससुराल सुबह सुबह 7 बजे को टाइम और जहां आवाज लगाई अरे हे तो मारो से
बेट जी हे दरवाजो खोलो अरे थारे घरे प्यास हो कोई कपड़ो ले लो भगवान आवाज न गई और अरे दौड़ियो नरानो देवर नानी भाई को देवर ए कई जी का होवे 300 माथा पर फिक्स होवे तीन हां घमंड कह लियो एटीट्यूड कह लियो नसों कह लियो तीन सर बोले क्या बात है किराया क्यों क्यों आपके आपके दिल में बस तीन बटन पुला खोल डा मोर हेलो मारो सेठ जी हे दरवाजो खोलो अरे थारे घरे प्यार सुनो कोई कपड़ो तोड़ियो नरानो देवर आगल दिनी खो दरवाजो खोलो नानी भाई को देवर नरानो कुंवर नारायण सिंह ए तीन सलवटा बोले क्या बात है सुबह 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 क्या बात है भगवान बोले जी मैं जी कपड़ा बेचूं जी के गांव में जी फिर बोल फिर हम क्या करें तुम कपड़े बेचते तो बेचते रहो बोले जी थारे घरे मंडी में सुने जी बड़ा सेठ हो थारे घरे ब्याह जी और मैं गरीब आदमी जी मेरा मेरी मेरी बिक्री हो जाएगी भगवान ये बात करता करता अंदर आ गया अंदर आ गया बोले जी मेरा मेरा माल तो देखो मेरा सेठ जी मेरा माल तो देखो अरे कहो ना सेठा जी थारे कपड़े भगवान बड़े बिल्कुल भाव से मेरे शिव जी एक बार मेरा डिजाइन तो देखो आ गंठरी खोली और ये देखो जी ये देखो जी ये देखो तरह तरह को माल ये दिखायो और नानी भाई को देवर नारायणो है चश्मा लगा के अरे बोले अरे बोले यार डिजाइन तो मार कर गया यार डिजाइन तो मार कर गया फिर मन में बोले ऐसी दुकान चलता फिर लेवानी अपनी बोले तुम चुप चुप परमानेंट है और फिर बड़े घर में ब्याह पांच चार मील खरीद के ब्याह करा पांच चार मील खरीद के ब्याह हुए कि सूट तो देवा ब्याह करना हमको बेचारा पूरे साल मेहनत करे थ्री पीस माध्यम सबने बड़ी तरह तरह की बड़ा चढ़ा के बात कर रहे और भगवान भगवान सुनता जा रहे और बोले जी एक बार डिजाइन तो देखो एक बार एक मेरी मेरी बुनी करा दो जी मेरी बस मैं तो मेरी बात मारी तो बुनी करा दो जी भगवान डिजाइन बोले और अब भगवान अपनी माया 16 कला संपूर्ण आप चाचा श्री हरि अपनी माया फैलावे तो फिर भला बिन कौन सुलझावे मायाधारी आप अपनी माया उलझा रहे तो फिर अब नरानो भगवान की ऐसी माया दे के जगह चौंध है और बोले अरे अरे चलो अब दिखनो जब बंद हो गयो दिखनो बंद हो गयो तो बोले बोले भाव तो बता के भाव के लगाओगे अब भगवान पक्का सेंस में है भगवान पक्का तो बोले अब आ गया बोले सेठ जी भाव की बात है भाई गोट आए रेट लगाऊंगा क्या भगवान बोले आए रेट लगाऊंगा अरे कहो ना से टांगे अरे कपड़ा भगवान अरे सवा हाथ के कपड़े का सवा हाथ के कपड़े का अरे सवा हाथ के कपड़े का सवा हाथ के कपड़े भगवान बोले जी सीधी भाभी की बात है बस आया रेट लगाऊंगा अरे बोले भाव तो बता
भगवान बोलिया सवा हाथ के कपड़े का, सवा हाथ आधा मीटर से थोड़ा ज्यादा 7 सेंटीमीटर सवा हाथ के कपड़े का बोल जी तोड़ दिए नरानो बोले कितने हो बोले अरे बोले कितने बोले सेठ जी समझे बनिए खोखो अरे बोले भगवान बोले जी क्यों गयो और तो में सारा बेटा पोता भाई भाइयों कई कई भतीजा बड़ा काका जी ताऊ जी क्यों गए थे बोले तो चल मुझ और बोले भगवान के बोले तू के रहे मारे मारे बेटा ने के रहे तू ये मुझ क्या हो गया बोले यार मैं थारा बेटा ने के मैं तो भाव बताया ये गिरे को धीरे ही बोले मैं थारे बटन के कह दियो बोले भैया ये क्या गिर गया यार है ये गिर दे बोले मैंने बोले अरे अरे बोलो बोलो आओ गो कोई करा खाना बिना से बेटा डॉक्टर की टीम में बोले नंबर चेक करवा दे बोले बीपी डाउन डाउन नारायण कुंवर नारायण सिंह ने नानी भाई के देवर ने पानी पानी छिड़ छिड़ उसमें ले गोली थी और नारायण जान बची लाखों पर बोले मन ही मन सोचे सब आदमी कपड़े का 1 करोड़ रुपया और पहले इतनी सेखी बधा रही है हमारे रिको हमारी फैक्ट्रियां हैं आधार मंडी आते हमारे रिको चले मेजे इत्यादि देना बंद कर देनी ऐसे सारा ₹400 करे या मिला खरीदा तो जद क्या हो बेटा करांगा क्या और भगवान कपड़ा पर और जिंदगी बुनी करा दे मेरी बुनी करा दे अब बुनी करा दे और एक कोई तो पजामा जी आपको बनावना 6.5 मीटर लागे 20 करोड़ रुपया कम से कम गरगा फूट लेगा मतलब तुमने ज्यादा जुबान हो है अब बल्ले करा दे पुनी अब आ तो सामान बेच के बुड़ी बुड़ा बोले ओ के ग्राम बहुत नरानो पड़ो पड़ो गणित बनावे भी ठीक रहा किया इज्जत बचावा है पहले इतनी बात कह दी है कोई हो जे ज्यादा गुनी लाग रहे है और कोई कलर बचाने के चक्कर में कोई शॉर्ट सेट कोई स्लीवलेस बना लिया अब बहुत संभालो पसीनो पूछो और भगवान के सामने कहा पानी ऐसे मतलब झूठी ऐसे मतलब होगा नहीं और बोली यार तू बंद हो यार तू बस ग्रेट मेरे दिल कुर्बान है तेरे पे झूठा असली ना भी से उठे असली असली अरे वो खाली आ गला की असली कर गए बाबेली कपड़ा तू मार के गए यार डिजाइन तेरा बस भी ठीक है पर यार इतने पता है आजकल बहुआ बहुआ छोरियां जी है ना आपका मन पसंद का कपड़ा हाँ कोई सूरत जा रही है कोई बॉम्बे ऑनलाइन परचेजिंग कर रही है कौन मन है आपने यार पर तने ग्रस तो बता दूं कि अरे कितनो महंगो कपड़ो कितनो महंगो मैं तुझे दिल नहीं कितनो महंगो
पे मजाक करी बोले इन्हें बात बुला दिया आपा बढ़िया बेटा मूर्ख आगे 20 करोड़ में एक चोड़ के मो सिंह अरे ये होने करावा इसी पढ़ाई आपने बन चाहिए है आपा बात बुला देगा बोले इन्हें रस्ते ही बुला देगा ये काम आयो है आपने में इतना तो गट सही व्यापारी हां सच में ना हां जी बात बुला देगा इन्हें तो कभी तने तने सेठ बताऊं के तू किने मीटर मीटर बेचते फिर देखो तने सेठ बताऊं और वो तो जाके पर ले रोकड़ी वो थोक में ले ले सी अठे नरसी नाम को सेठ आई है नरानो नरानो जो हरदम नानी भाई ने संताने वो काम करे करतो नानी भाई ने नीचो दिखाने वो काम करतो भाई बात भगवान से कह बैठे हो बोले अठे नराना ने की तो भी नरसी ने जाने कौन जाने आपा कह दिया बोले अठे नरसी नाम को सेठ आई है जाके पल्ले रोकड़ी वो थोक में ले ले सी तेरा सारा अगर तेरे कपड़ो तेरे पसंद आ गया नहीं और कपड़ा तेरा पसंद आने वाला है तो ये सारा ले लेगा तेरा तेरा सारा ले लेगा वो ऐसा सेठ है नरसी और अब तब अंतर्यामी भगवान तब अंतर्यामी भगवान से वाह ये मेरे भक्त के बारे में क्या सोच रहे हैं और अब भगवान क्या जवाब दे रहे हरे हसरे मुदक कर हसरे मुदक पर बोला है हरी जी नरसी जी मेहता आए गए फिर तू जाने वो नरसी जी नगर जूनागढ़ ला नरानो सभी खुशी खुशी हो अरे बोले बोले अरे बोले तू कद को जाने हैं वो कोई पुराने जमाने में जब सेठ होने जद को जाते हो ना तू अरे अब तो अब दिवाली वाली कर है चलो ना जाइए अभी यहाँ गोडाउन पर आ रही है गोडाउन पर आ रही है भूख चुकी है तेरा कपड़ा तेरा थान ले ले तेरे तने की कड़े तो ये तेरी सोचा नहीं अच्छा कम अच्छा कर लड़ ले बाबा बात बनी अभी चलो ना जाइए और नराना के सेठ जी केनर सिंह ने जाना होगा देखी तो मैं जाना केनर सिंह ने जाना होगा अरे अरे देसी तोल ले जा नरसी ने कौन जानो मैं बताऊं नरसी कौन है नरसी सेठ है मेरो सेठ है नरसी मेरो मैं भी बांगो दास पुरानो नरसी नरसी मारो सेठ जी अरे जैसी तोले ले जैसी तोले ले पानी कर ले इतनी बार अपने भक्त के लिए सिर्फ ठाकुर ही कैसे है या दुनिया तो थोड़ा सो भी कोई काम कर दे तो चार बार जब तक गिनाई नहीं दे पोस्टर नहीं होल्डिंग नहीं ला देना जब तक समाई नहीं हो जो ठाकुर ही है कि आप जगत से आप नरसी वास्ते कहे कि मेरे सेठ है नरसी देसी तो ले ले श्याम बाकी कर ले श्याम नरसी ले मेरे पैसे मेरो आग लग रहा है अब
और नरानो नरानो बिल्कुल पागल है गेहूं व्यापारी से लगे ही कोने। अरे बोलो है रे बानिया, बोलो है रे बानिया, अरे बोलो है रे बानिया, बोलो है रे बानिया, चलो देखो बोले भाई जी कहें अब भगवान भगवान बोले मैंने पत्तो बता दो, मैंने पत्तो बता दो। नराणा देखियो बोले जी ने नरसिंह मिला दियो नी तो फिर आपने भी ससुराल से आए गए, मेरा भी साला आए गए और बाकी लेडी डिको वाली साड़ियां फैंसी मेकिंग करवा करो आगे ए ए साड़ियां ना देवे नी बात का मां ए बिंदी का बेचारा चाची जाना पत्ता पंखा टेटा लगा के रुमाला लगा के ए फैंसी तो क्या उन टीवी ले आया से किसी की है ऐसा छोटा मोटा बात में फोन कर भर दिया बड़े जल्दी आ गया 51 टेबल सगी की 51 टेबल मारे छोरी की है और एक का बादर है नहीं ऐसा सब के लिए ये है ये है। और बोले बाकी लेडी डीप वाली साड़ियां और ओ दे आधा मीटर का एक करोड़ रुपया आपने बेइज्जती हो जाएगी जिक्रा। भगवान बोले जी बोले पतो पतो नरसी जी है कहे बोले कौन तीन ही बात करे बोले नरसी जी की थी कवा बोले मने की बतो मैं टीवी में देखियो भैया मैंने घर पर तो ना आप झूठ कौन बोला और इतने में भगवान को ऐसो ऐसो दिव्य स्वरूप और नरसिंह जी ने अपने ठाकुर की और नराने की बात जब पास बैठे लोग सुन रहे हैं तो मैं भी समझ गया बोले जी का बाबा जी आए थे नहीं भजन करने वाला बांगी बात करे बोले जी क्यों ना नौरा काटो मैं जी का भजन करे मैं बाबा जी बांगा बाहु मिलना नहीं था चलो मैं थाने मिला जा चलो मैं थाने मिला जा और अब भगवान चल पड़ा नरसिंह जी महाराज के पास तो भगवान की अरे सावरिये ने देखी भगवान नरसिंह जी महाराज के डेरे पर जा रहे हैं और सागे नगरवासी नगर अंजारवासी भगवान को ऐसे दिव्य स्वरूप सब कोई की एक ही तमन्ना कि दो मिनट भगवान से मैं भी बोल लूं भगवान के निर्देश मैं भी दे दूं हर कोई भगवान से और भगवान बड़े प्रेम से बड़े प्रेम से बोले जी अच्छे मैं दो दिन रुकांगा अच्छे हमारी बहन रह मेरे शादी में शामिल होना आएगा भगवान बात करता करता और नरसिंह जी महाराज के डेरे पे गया और अरे सेठा की बतलावन सुनके सुरा स्वामी ही बोलिया अरे देखो ना नरसिंह जी जाने विष्णु आंदा संत भगवान की आवाज पहचानी और आंदा संत नरसिंह जी महाराज ने कहे नरसिंह जी बार देखियो ये लगे जाने वो किसनों खाती आ गया लगे वो अपने नीचे को छोड़ के गई होनी वो किसनों खाती आ गया लगे और नरसिंह जी महाराज दूर से देखियो भगवान मुस्कुराता इठलाता होया नरसिंह जी महाराज के पास आ रहे और नरसिंह जी महाराज ने बड़ी रीस चढ़ ली है कि इतनी देर कर गए हैं अरे सांवरिए ने देख नरसिंह देखो है रिसा अरे ले जा तेरी गांठ आयो श्याम ले जा तेरी गांठ बनो फिर से कटे वो बड़ो फिर तार ले जा तेरी गांठ मैं कोई बात को नहीं बनाऊं तेरे से चलो जाता भगवान भगवान हाजिर है थोड़ी देर के लिए
मैं आप बड़ा जल्दी में लाग रहा हूँ पर थोड़ी थोड़ी लड़ाई चाहती है भगवान भगवान हाथ जोड़ रहे हैं नसीब मेरी बात सुन मैं देरी करी करी और नरसिंह के चलो जाता बात ना करी बोली ना तू चलो जा इतनी रुवाई है इतनी रुवाई है मेरी बेटी ने तो मैं कोई भाग पानी भर पाऊँ सौरिये ने देख मर्सी बेटो है रिसाय ले जा तेरी गांठ आयो नरसी आ गए ठाकुर जी नरसी आ गए ठाकुर जी अवे नीरत करे अरे भाजू मारा भक्ता धन बुझाई भगवान आज द्वारका का राजा अपने भक्त के अपने भक्त ने मना रहे नरसिंह चल मेरी गलती हो गई मैं देरी करती मेरी गलती हो गई अब तो मान जा अब तो मेरी बात कर नरसिंह मुंह फेर ले चलो जा और भगवान सच्ची सच्ची दोस्ती हो गई बोले अब तो तू नाराज ना हो तेरी नाराजगी मेरे से सेंस नहीं हो तू थप्पड़ मार ले मेरे तू गाल निकाल ले मेरे तू बोल ले मेरे से तू नाराज ना हो मेरे से और नरसिया के ठाकुर जी अब नीरत करे भगवान भगवान नाच नाच के दिखा रहे नरसिंह देख मैं देख के कैसे भाग ले हूं नाच नाच के दिखा रहे और नरसिंह जी महाराज आंख बंद कर ले आंख बंद कर ले तो भगवान भगवान बेबस है राधा रुक्मण देखियो यहाँ श्री हरि भी नाचा जा रहे हैं तो राधा रुक्मण आगे हाथ जोड़ती हुई पिताजी पिताजी आज ये भात में इस शादी में मैं भी शामिल होना है कैसे करना है जगत जनने जाने माँ आज आज अपने भक्त ने पिता कह दिए आज भगवान भक्त का बेटा बन गया है राधा रुक्मण भक्ति बहुआ बन गया है पिताजी ये भक्त में निधि शामिल हो रहा है और फिर नरसिंह जी महाराज आंख खोली और आंख खोली राधा रुक्मण भी हाथ जोड़ा राधा रुक्मण जब हाथ जोड़ा खड़ी है तो नरसिंह जी महाराज भगवान राधा रुक्मण जब नरसिंह जी महाराज आंख खोली राधा रुक्मण हाथ जोड़े खड़ी है और तब तब नरसिंह जी महाराज हे प्रभु थाने पतो है नानी भाई के ससुराल आला तरह तरह की मांग तरह तरह को कहना प्रभु मैं सेंस को नहीं कर पाया तब हे प्रभु बात में की सामान ले गया हो प्रभु कौन 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 थारा सा गाया है अब तब भगवान नरसिंह अरे रिधि सिद्धि मारे साथ है एक परिवार की बात करें आज नगर अंजार में कोई घर भी एक घर भी बाकी कोने में चाहे वो आयो है चाहे वो नहीं आया है हर घर में दांत मिलेंगे हर घर में दांत मिलेंगे नरसिंह भरसा मायरो सारे नगर अंजार और अब भगवान नरसिंह जी महाराज ने देर नहीं करता हो या और नानी भाई के ससुराल
संतों के सही राधा रुक्मण सही भगवान नानी भाई के दरवाजे पे चल रहे नरसिंह नानी भाई के ससुराल जा रहे और नानी भाई के ससुराल पहुंच गए। नानी भाई भगवान के तिलक के लिए तैयार है और सब संता के सागे सब भक्ता के सागे भगवान नानी भाई के ससुराल जा रहे और इससे पहले प्यास पीठ पे बैठा महाराज श्री विक्रम जी दो मिनट के लिए आप अटक लो प्यास की श्री विक्रम जी शास्त्री कड़ी दिव्य मार्मिक कथा आप लोग सभी आप श्री के श्रीमुख से सुनकर लाभान्वित हो रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य इनका सानिध्य गाना बजाना बोलना हमारे को आता नहीं है। आज महाराज श्री का सानिध्य हमको मिला। जन्म जन्म की कृपा आज एक साथ तो बालाजी भजन मंडल और ये राधा गोविंद मंदिर समिति और ये दीवानों का हार्दिक हृदय से आभार। आज साक्षात बैकुंठ धाम की ये कथा ठाकुर के साथ राधा रुक्मण सही भगवान नानी भाई के दरवाजे पर और थोड़ी देर के बाद को प्रोग्राम ठाकुर आ गए हैं छप्पन पर अपनी माया लुटाने के लिए। सब वो भाग भरे गए हो छप्पन करोड़ की माया आप भाग्य बिहारी अपने भक्त की बेटी के भाग में लुटाई और तो और छप्पन करोड़ से भी जब नानी भाई के ससुराल वाला मन को नहीं भरे हो तब यह कोई दंत कथा नहीं है बनावटी बात नहीं है इतिहास गवाह है। फिर भी मन नहीं भरे हो तो नानी भाई प्रार्थना करें भैया एक बार ऐसी कोई बात बना दे कि मेरे ससुराल वाला मैना धन से मन भर जाए धन भाया से मन भर जाए ऐसी ऐसी बात बना दे। कोई बात अब कुछ क्षण में बनने वाली है आप कृपा हाँ थोड़ी देर के लिए बस बाकी पांच नंबर नाचना है जिकी देर के लिए दो घंटा लगी है देखो मतलब तो होना चाहिए थोड़ी देर भगवान नानी भाई भगवान का तिलक कर रही है और भगवान चुनरी उड़ा रहे हैं। हाँ
नानी भाई भगवान के तिलक कर रही है और भगवान चुनरी उठा रहे आज अपने भक्त की बेटी के कारण। अरे दोनों हाथ लुटाते मोहन निज भक्तों के, अरे दोनों हाथ लुटाते मोहन निज भक्तों के, अरे दोनों हाथ लुटाते मोहन निज भक्तों के, कोई भी भगत ना बचाए ठाकुर ठाकुर के दरबार में ये जगत सेठ है, मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी खाली रह जाए ना तो ये खजाना या लाल ना देखिए ये बचवा दे खजाना। बांके बिहारी द्वारकाधीश वृंदावन के राजा खुद आए हैं तो फिर कोई चीज बाकी कोई और भी जगह दिया आप बार भी सब लग गए किसी के लगे नाम एक एक करके बढ़वा आगे से आगे सरवा दो। एक बात तो ध्यान रखना भैया एक निवेदन है ये खजाना कोई कोई डबल लेके जाने की जरूरत नहीं है। नसीब पास गुप्त थी माया और खर्चे से खर्च ना होवे चला या माया थोड़ो ये प्रसाद के साथ बन जाएगी। हाँ ये आप कृपा है ना जब एक एक बटवाओ फिर ऐसे किसी के लगेगी भी और कमी कोई नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है किसी के पास कोई भी वस्तु ठाकुर के द्वारा दी हुई दो आ जाए तो एक पड़ोसी को दे दो खर्च होने वाली नहीं है। ये नहीं है मेरे पास चार आ गई तो मैं ज्यादा माला माल हो जाऊंगा ऐसा नहीं होएगा। देन हार कोई और है तो देने वाला ये और है। आप मस्ती में ये खजाना आप प्रसाद के साथ बटेगा हाँ टेंट में वहां प्रसाद जहां जहां बटेगा तो ये खजाना और आप कोई भी इसके लिए अधीर होने की जरूरत नहीं है। ये ठाकुर का दो दिन पहले कह दिया था ठाकुर ने कोई भक्त बाकी नहीं रहेगा तो आप कृपा थोड़ी देर का 10 मिनट का प्रोग्राम हो रहे आप शांति बनाए और ठाकुर का नृत्य भी अभी बड़ा दिव्य होने वाला है। आप होने की झलक भी आपको मिलेगी। आप 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पहले बात का जो भाई तेरा जेठानी सब ले लीजो पहरा जाके जरी जड़त है गानी ऐसी भगवान जी का जी जिया मन में आई ना कल्पना कर ली कोई मैंने तो यह चीज मिल जाए मैंने तो यह चीज चाहिए और भगवान को इशारो ले जा चल ले जा चल ले जा क्यों 16 कला संपूर्ण आप श्री हरि आप माया लुटाने पे जो जिया मांगियो पिया मिल तो चले गए हो और दोनों हाथ लुटाते मोहन निज भक्तों के पास और भगवान बा फिर गुरु जी इतनी तो मैं हमारी मर्जी हूँ ले आ भगवान
परिवार की आरती आरती की तैयारी कर रहे हैं। दो मिनट होली महोत्सव की प्रोग्राम की झलक लग जी। वृंदावन के राजा साक्षात राधा रानी के साथ आए हुए हैं और श्री श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल द्वारा होली महोत्सव 29 मार्च कृपया बाकी बैठे सभी भक्तों से निवेदन है कि होली की 29 मार्च सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक सिर्फ एक श्री झांकी वाले बालाजी बगीचे में ऐसा दिव्य अद्भुत होली महोत्सव का आयोजन जिसकी एक झलक अभी आप सभी भक्तों के साथ जब मैं भीतर जा रहे हैं आप लोग इसलिए खड़े हैं ठाकुर को आने दो नाचने के लिए कृपा बाकी लोग बैठे बाबा की आरती कृपा भक्तों से निवेदन बाकी जगह अपनी जगह पे नाचेंगे कोई बीच में नहीं आएगा। कृपा आप अपने स्थान पे बैठे या अपने स्थान पे नाचें आगे कोई आगे नहीं आएगा ठाकुर को जो जगह नहीं मिलेगी तो नाचेंगे कैसे यार थोड़ी थोड़ा सा अपने जगह पे मस्ती लेते हुए कोई भी अपने स्थान पे खड़ा होकर ना सकता है पर थोड़ी सी जगह यहाँ चाहिए। गुरु बांके बिहारी लाल सावरे सरकार अरे होली खेल रहे नंदलाल
रज में होली रे रचिया, राग में रज में होली रे रचिया, हरि राम की जय हो, सारे संसार की जय हो। के साथ सभी का मन है तो अधिक घेर ना करो, समझो मन है अरे ऐसी होली तो है किला। अरे यार बड़ो गोटिया सागे तेरे मन करे नी मारी आंख में आगे नी ऐसी होली तो नानी याद करा देगा ये ब्रज की बोलिया। ऐसी होली तो है किला तुझ छठी को याद कराऊं, सुन ले सावरे होली तो आयो बारे होली तो आयो बारे बारे होली तो साक्षात साकार 29 मार्च भैया मने अकेलो मिलके ना ऐसे रंग लगाऊं पर इतनी भीड़ में मेरी मेरी बारी आवे मने बड़को मिले या नहीं मिले तो मेरे गाना जो आए पलट के होली खेलूंगी मैं आज जग होली खेलूंगी मैं आज जग होली खेलूंगी मैं आज जग होली खेलो की मैं आज
ये भजन पूरा मातुआएंगे एक नहीं हम अपने तन पे बुला इतनी भीड़ में मेरा नंबर नहीं आया मुझे मौका नहीं मिले तो मैं अपने आप को इतना रंग लगा लूं और जाके जाके कन्हैया से निपट लूं अपने तन पे पागलों की महफिल क्या बात है गल 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 पाले बिना बात के नहीं नाचा जाता ये वहां सुनाइए बगीचे में गुलशान नचावे यार ते नचना पैदा है सुने हुए यार नचना पैदा We are the ones.
भगवान के भी हरिलाल बहुत कुछ गए हो 29 तारीख सुबह 9 बजे से बेटा भजन नए से नए भजन Thank you.
सरदान की जय।